हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो बी लिम्फोसाइट है और उसके स्ट्रक्चर्स और उसके एक्टिवेशन, ठीक है ना, कि किस तरह जब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोलिफरेट करके डिफरेंशिएट हो जाता है इंटू प्लाज्मा एंड मेमरी सेल्स में। नाउ इस लेक्चर में हम देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स, कि टी लिम्फोसाइट किस तरह से एक्टिवेट हो जाता है जब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, और वो कैसे न्यूट्रलाइज करके कैसे उसको एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर जाती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं टी सेल की, ठीक है ना। तो टी सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द टी सेल। तो सबसे पहले इसके क्या होंगे, रिसेप्टर्स, ठीक है ना, जिसे अल्फा और बीटा के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, नॉन है अल्फा और बीटा के नाम से। दीज आर द टी सेल रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये इसका क्या है, नेक्स्ट इज द सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट द सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है, ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जो क्या करेगी जब अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो है, जब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एमएससी कम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जब इसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल को सिग्नल भेजेगी। फिर उसके बाद जो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, ये इसमें जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है उसको ये मैसेज सेंड करेगी कि इस टाइप का एंटीजन जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस, फिर उसके बाद इसका अगर टी हेल्पर सेल बनाए या टी साइटोटॉक्सिक सेल बनाए तो उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो सेकंड ये हो गया सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसके सेल मार्कर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, दीज आर द सेल मार्कर्स, दैट इज CD2, CD5 एंड CD7। ये क्या है, दीज आर द सेल मार्कर्स, ठीक है ना, और सेल मार्कर्स हैं जो सिर्फ किस पे प्रेजेंट होता है, टी सेल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, दीज आर द सेल मार्कर्स। और बिसाइड दीज थ्री और एक सेल मार्कर प्रेजेंट है, दैट इज CD28, ठीक है ना। तो दीज आर स्पेसिफिकली 2, 5 और 7 जो है, CD2, 5 और 7 जो है वो आपको सिर्फ किस पे मिलेंगे, टी सेल पे ही मिलेंगे, ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है, ठीक। नाउ उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके दिखाऊं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इसको एलोबरेट करते हैं। अल्फा और बीटा रिसेप्टर का जो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, CD3 भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, CD3, इसको सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। इसको इसको हम थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा इसको हम बढ़ा करके बनाते हैं। तो इसमें आप देखें, जब ये एट द सरफेस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हुआ, दीज आर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट द सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, जो क्या है, CD3 भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो जब अल्फा और बीटा रिसेप्टर किसी एंटीजन को या एंटीजेनिक पेप्टाइड को ये जब रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द एंटीजेनिक पेप्टाइड, फिर उसके बाद ये क्या करेगी, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग जो ही इसने यहाँ पर एंटीजन को क्या किया, ट्रैप किया, इसको रिकॉग्नाइज की, तो ये CD3 जो है, दैट इज सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल का क्या काम है, इट
कन्वेज द मैसेज टू द न्यूक्लियस के दैट एंटीजन हैज़ बिन प्रेजेंट विद इन द बॉडी दैट, तो इस तरह के एंटीजन प्रेजेंट है ठीक है ना, और उसको रिकॉग्नाइज की है। तो यह सिग्नल जो ही यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, तो ये सिग्नल ट्रांजिशन मॉलिक्यूल न्यूक्लियस को क्या करती है, मैसेज सेंड करती है। तो दिस इज, दैट्स वाई दिस इज नोन एज सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल। अब जो ये जो टी सेल है ठीक है, टी सेल की अगर हम बात करें तो टी सेल हमारे बॉडी में दो तरह की हैं ठीक है ना। दैट इज, एक टी सेल है इस तरीके से कि उस पर रिसेप्टर क्या है, अल्फा और बीटा, जैसे ये ठीक है ना, दैट इज अल्फा और बीटा रिसेप्टर है। और दूसरा टी सेल भी है दैट इज, जिसमें क्या है, रिसेप्टर अल्फा और बीटा की जगह दैट इज डेल्टा और गामा ठीक है ना। तो दो तरह के टी सेल हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें तो जो अल्फा और बीटा है दैट इज मोर देन 95% हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, और जो सॉरी ये क्या है, डेल्टा है और ठीक है ना, डेल्टा को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ठीक। डेल्टा और गामा जो है वो नियरली 5% ही प्रेजेंट है, लेस देन 5% प्रेजेंट है ठीक है ना। तो मैक्सिमम हमारे बॉडी में ये टी सेल प्रेजेंट होंगे, और ये आपको मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे, ब्लड में प्रेजेंट होगा। और ये जो डेल्टा और गामा टी सेल है वो कहाँ पे मिलेंगे, टिश्यूज में प्रेजेंट होगा ठीक है ना। तो जब ये, अब हम बात करते हैं टी सेल की प्रोडक्शन के ठीक है ना, जो हमारे टी सेल है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज प्रोड्यूस विद इन द बोन मेरो ठीक है ना। जो टी सेल है वो बोन मेरो, दिस इज व्हाट द बोन मेरो ठीक। बोन मेरो में जो टी सेल है वो वहाँ से, वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो प्रोड्यूस होने के बाद ये हमारे ब्लड में एंटर करेंगे ठीक है ना, एज प्री टी सेल की फॉर्म स्टेज में ठीक है ना। प्री टी सेल स्टेज में जब ये एंटर करेगी ब्लड में, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगी, विद इन थायमस, क्योंकि इसका जो मैचुरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, थायमस में। और थायमस क्या है, इसका मैचुरेशन साइट। तो ये प्री टी सेल जो है थायमस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ पे ये मैच्योर हो जाएगा ठीक है ना। तो इस टाइम तक हम इसको क्या कहेंगे, इस टी सेल को, जो टी सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा जिसे एंटीजन के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं किए हुए, तो दैट इज नोन एज नेव टी सेल ठीक है ना, नेव टी सेल और अनप्राइम्ड टी सेल ठीक। और ये किस फेज में होगा, G0 फेज में ठीक है ना। सो जो ये टी, अगर हम टी सेल्स की सब पॉपुलेशन की बात करें ठीक है ना, टी सेल्स की सब पॉपुलेशन की बात करें, सब पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो जो ये टी सेल है इट्स फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टी एच सेल एंड टी सी सेल ठीक है ना। टी एच सेल हम इसे क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल, हेल्पर सेल, और इसको हम क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल ठीक। तो जब हम, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जो टी एच सेल है, दिस इज व्हाट द टी एच सेल एंड दिस आर द रिसेप्टर्स अल्फा एंड बीटा। तो टी एच सेल पे क्या होगा, जो सी डी, जो सरफेस मार्कर होता है दैट विल बी CD4, ये चीज़ याद रखिए। टी एच पे क्या होगा, CD4 प्रेजेंट होगा ठीक है ना। टी एच पे क्या प्रेजेंट होगा, CD4 इस पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और हम इसे क्या कहेंगे, टी हेल्पर सेल ठीक है ना। आप ऐसे याद रखिए, ये जो टी एच फोर है, जैसे ये क्या है, टी एच फोर है ठीक है ना, ठीक है ना। CD4 जो है ना, CD4 दैट विल बी प्रेजेंट ऑन टी एच सेल ठीक है ना। ऐसे याद रखिए, जो फोर है वो टी एच
टीएच सेल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, सीडी फॉर्म आपका। और अगर हम बात करें टीसी सेल की, ठीक है ना, तो टीसी साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करें तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर इस पे भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो मार्कर है इस पे क्या कौन सा होगा, दैट विल बी CD8। टीसी सेल पे CD8 मार्कर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और टीएच पे CD4 प्रेजेंट होगा। यहाँ पे CD4 प्रेजेंट था तो यहाँ पे क्या है, CD8 प्रेजेंट है, ठीक है ना, CD8 प्रेजेंट होगा। ठीक, तो सी सेल पे क्या प्रेजेंट है हमारे, सी सेल पे कौन सा मार्कर प्रेजेंट है, दैट विल बी CD8 प्रेजेंट होगा। आप ऐसे निमोनिक्स के टाइप पे ये चीज़ याद रखिए, ठीक है ना। नाउ आप जो ये टी सेल है, टी सेल की आप इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि टी सेल जो है वो फ्री एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है ना, फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज, डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्री एंटीजेंस, ठीक है ना। तो फिर जैसे बी सेल के केस में हमने देखा था, बी सेल जो है वो एंटीजन जो प्रेजेंट इन द ब्लड हो या टिश्यूज में, उनको क्या करता है, इजीली रिकॉग्नाइज करता है और उनको, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन टी सेल जो है, जो फ्री एंटीजेंस होता है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना, डू नॉट रिकॉग्नाइज द फ्री एंटीजेंस दैट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी। फिर क्या करता है, फिर जो टी सेल्स हैं, जैसे हमारे CD4 सेल्स है, ये टी सेल और CD8 सेल हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, ये किसको रिकॉग्नाइज करती है, जो CD4 TH सेल या CD4 सेल, ठीक है ना, एंड TC सेल दैट इज CD8 सेल। तो ये जो सेल दोनों हैं, जो टी सेल के जो दो टाइप्स है, ये किसको रिकॉग्नाइज करती है, दे रिकॉग्नाइज स्मॉल पेप्टाइड को, ठीक है ना, स्मॉल पेप्टाइड मीन्स जो एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है, ठीक है ना, एंटीजेनिक पेप्टाइड को ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना, जिसको क्या करेगा, जो किसके साथ में प्रेजेंट होगा, दैट विल बी प्रेजेंटेड बाय MHC, ठीक है ना, MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि क्या है, जो हमारे टी सेल हैं, दैट इज TH है और TC सेल, वो फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज, जो फ्री एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ये किसको, एक स्मॉल पेप्टाइड, एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगी, जो किसने प्रेजेंट किया हो, MHC मॉलिक्यूल फर्स्ट या MHC मॉलिक्यूल क्लास 2, ठीक है ना। तो MHC क्लास फर्स्ट या MHC क्लास 2 की बात करें, ये किन पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो MHC मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, MHC मॉलिक्यूल है, दैट इज मेजर, इसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टोकंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये MHC तीन टाइप्स के हैं, दैट इज MHC फर्स्ट, MHC सेकंड एंड MHC थर्ड, ठीक है ना। तो MHC ये क्या है, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेसेस, ठीक है ना, सेल सरफेसेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सेल है तो इसके सरफेस पे क्या होगा, ऐसे MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, मान के चलते हैं ये MHC फर्स्ट है, या फिर दूसरा होगा यहाँ पे इस तरह, दैट इज ये क्या होगा, ये MHC फर्स्ट है, ठीक है ना, या यहाँ पे इस तरह होगा, इसको हम क्या कहेंगे, MHC सेकंड। अब फर्स्ट, MHC फर्स्ट और MHC सेकंड, ये किन सेल पे प्रेजेंट होगा, तो ये MHC जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, जैसे ये एक सेल है, ठीक, तो इस पे क्या है, MHC फर्स्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना, दिस इज MHC फर्स्ट। तो किसी सेल पे ये किस तरह से प्रेजेंट होगा, ये MHC फर्स्ट है तो इस पे MHC सेकंड भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इस तरीके से ये MHC मॉलिक्यूल्स इन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक। नाउ तो
एमएससी फर्स्ट किस पे होगा, एमएससी सेकंड किस पे होगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो नॉर्मल सेल्स है, ठीक है ना, जो नॉर्मल सेल्स है और नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स है ना, मींस न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो इन सारे सेल्स पे क्या प्रेजेंट होगा, एमएचसी फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो आपने ये याद रखना है, जो सारे नॉर्मल सेल्स हैं उन पे क्या होगा, और न्यूक्लिएटेड जो होगी ना, तो ऑलमोस्ट हमारे जो सारे WBCs हैं वो क्या होता है, जो हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो सारे सेल्स क्या है, वो नॉर्मल ही हैं, ठीक है, नॉर्मल ही होते हैं और न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इन सारे सेल्स पे MHC-1 प्रेजेंट ही होगा, ठीक है ना, जो नॉर्मल, मान के चलो ये नॉर्मल सेल है और न्यूक्लिएटेड भी है, तो इसमें क्या है, MHC-1 प्रेजेंट है। अब MHC-2 किस पे प्रेजेंट होगा, जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दैट इज APCs, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारे MHC-2। नाउ अब इसी से आप ये चीज आपने याद रखना है, ठीक, कि जो नॉर्मल सेल्स है उन सारे सेल्स पे क्या प्रेजेंट होगा, MHC-1 प्रेजेंट होगा, MHC-1 आपके सारे सेल्स पे प्रेजेंट होगा जो न्यूक्लिएटेड और नॉर्मल है। और लेकिन अगर कोई सेल नॉर्मल है बट वो न्यूक्लिएटेड है, बट वो नॉर्मल नहीं है, जैसे इन्फेक्टेड है या वायरल इन्फेक्टेड है, तो उस केस में हमारे MHC वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। अब सेकंड जो है हमारे, एक तो न्यूक्लिएटेड भी है और दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है, ठीक है ना, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जैसे हमारे डेंड्रेटिक सेल्स है, मैक्रोफेजिस है या बी सेल इटसेल्फ है, ठीक है ना, तो इन पे क्या होगा, MHC-2 प्रेजेंट होगा। सो ये चीज़ आपको याद रखना है, किसकी किस बारे में, दैट इज़ MHC मॉलिक्यूल में। तो MHC मॉलिक्यूल क्या हुआ, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना, जो किस पे प्रेजेंट है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये APCs कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, दिस इज व्हाट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इस पे क्या होगा, ये नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल है, तो MHC-1 इस पे प्रेजेंट होगा ही होगा, और MHC-2 भी प्रेजेंट होगा, बींग एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना, तो इस पे MHC-2 है, ठीक है ना। तो जब इसने प्रोसेसिंग की किसी एंटीजन को, और अब तो अपने सेल सरफेस पे जब एंटीजन को इसने क्या किया, इंटरनलाइज किया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की, फिर उसके बाद किसी एंटीजेनिक पेप्टाइड को इसने क्या किया, प्रेजेंट किया किस पे, अपने सरफेस पे, विद द हेल्प ऑफ MHC-2, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीजेनिक पेप्टाइड है। तो ये पेप्टाइड किस फॉर्म में है, ये बाउंड फॉर्म में है, ठीक है ना, जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है ये किस फॉर्म में है, बाउंड फॉर्म में है, किसके साथ, MHC मॉलिक्यूल के साथ, और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोसेसेट है, ठीक है ना। अब जब ये सेल ने इसको, APC ने इसको इंटरनलाइज किया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की, मतलब ब्रेक डाउन की, फिर उसके बाद इसको प्रेजेंट किया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोसेसेड एंटीजेनिक पेप्टाइड है, ठीक है ना। तो इसी एंटीजेंस को जो हमारे टी सेल्स है, वो जो फ्री फॉर्म था, जैसे यहाँ पे जो एंटीजेनिक पेप्टाइड था, इसको वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो वो किसके साथ रिकग्नाइज करके इंटरेक्ट करेंगे, तो वो ऐसे एंटीजेंस को जिनकी प्रोसेसिंग हो गई हो, ठीक है ना, और उनको सेल सरफेस पे प्रेजेंट किया हो किसने, MHC-2 या MHC-1 ने प्रेजेंट किया हो, तो उन टाइप के एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को हमारे जो टी सेल्स हैं वो उनको क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। तो हमारे जो टी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो अपने जो अल्फा रिसेप्टर्स है, इस एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उसके बाद इसका एक्टिवेशन होगा, और ये जो फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजेंस जो है उनके साथ में, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ टी सेल, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी वो एंटीजेनिक पेप्टाइड को ही करेगी जो प्रोसेसेड हो, ठीक है। सो नाउ द टी एच सेल, ठीक है ना, आप टी एच सेल या टी हेल्पर सेल, अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो बी सेल जो है वो जैसे किसी एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं कर पाती है, तो टी एच सेल उसको हेल्प करता है। तो टी एच जो टी एच है, दैट इज टी हेल्पर सेल, नाम से ही
हम पता कर सकते हैं कि ये जो टी सेल है ये हेल्प करेगा किनको, बी सेल्स को, किन में, एक तो रिकग्निशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना, रिकग्निशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना, अगर किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो टी हेल्पर सेल करेगा रिकॉग्निशन में, किनको, बी सेल्स को, ठीक। और ये बाय सिक्रेटिंग केमिकल से किसमें हेल्प करेगा, जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, तो एंटीबॉडी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ये टी हेल्पर सेल का काम है। सो टी हेल्पर सेल अगर डायग्रामेटिकली मैं बताऊँ तो जैसे हमारे सेल में कोई एंटीजन, दिस इज व्हाट द एंटीजन दैट हैज एंटर्ड विद इन द ब्लड वेसल, ठीक है ना, ये हमारे ब्लड वेसल है, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट एंटर की है, ठीक है ना। तो ये एंटीजन क्या करेगी, तो हमारे बी सेल जैसे प्रेजेंट है ये जो क्या करेंगे, फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन को जब रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन जब केस ऐसा हो अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो इसको क्या करेंगे, ये बी एंटीजन जो है इसको बाय एंडोसाइटोसिस इंटरनलाइज करेंगी, फिर उसके बाद बी सेल क्या है, ये एंटीजन इट एक्ट एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस केस में, तो ये एंटीजन को इंटरनलाइज किया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करके एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब ये MHC सेकेंड से जब इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, इस एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे तो MHC सेकेंड से, तो MHC सेकेंड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे मैंने पहले बताया दैट इज CD4, ठीक है ना, या CD4 सेल या TH सेल। तो यहाँ पे जो TH सेल है उस पर क्या प्रेजेंट है, CD4 मार्कर प्रेजेंट है, तो CD4 जो है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, MHC सेकंड को रिकॉग्नाइज करती है। तो अल्फा और बीटा जो इस पे रिसेप्टर है, इस एंटीजन को जो ये एंटीजन यहाँ पे इसने प्रेजेंट की है, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, जो ये एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट की है, तो ये अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उसके बाद इसको क्या करेगी, जैसे मैंने कल बताया था, बाय रिलीजिंग इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 6, ठीक है ना। तो इनके रिसेप्टर्स किस पे प्रेजेंट है, बी सेल पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगी। तो फिर उसके बाद जो ये एंटीजन है, बी सेल जो एंटीजन है वो क्या करेगी, जो बी सेल है वो इस, तो ये बी सेल क्या करेगी, इस एंटीजन जब इन यहाँ से इंटरल्यूकिन इस मॉलिक्यूल से इंटरल्यूकिन जो रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट है, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 6 के जो रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट है, तो जब ये यहाँ से सिग्नल मॉलिक्यूल्स बी सेल को जब जाएगी, तो फिर उसके बाद जब ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, तो वो जो एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी, क्योंकि इसका जो फॉर्म, दिस फॉर्म जो है वो ऑलरेडी चेंज भी हुआ है, और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो TH सेल ने इसमें अपना रोल किया, तो ये किसमें इसने हेल्प किया कि इट हेल्प द बी सेल्स टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन, जो बी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो टी सेल का यही काम है, ठीक है ना, टी हेल्पर सेल का। अब हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल का। अब इस केस में जो एंटीजन था दैट वाज एक्स्ट्रा सेलुलर, उसको बी सेल डील कर रहे थे, ठीक है ना, इट वाज द एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन, ठीक, जो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है ना, बैक्टीरियल एंटीजन हो सकता है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, जब वायरस के केस में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें, जो वायरस के केस में अगर हम देखते हैं, जैसे कोई वायरस एंटर किया, ठीक है ना, दिस इज द वायरस, अगर कोई वायरस एंटर करता है, ठीक है, दीज आर द सेल्स, ठीक, तो ये वायरस, ये दीज आर द सेल्स जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, ठीक है ना, तो जब ये वायरस एंटर करता है, ठीक है ना, इसमें तो ये सेल जो है, तो वायरस इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर द इंट्रा सेलुलर एंटीजन, क्या है, इंट्रा सेलुलर एंटीजन, ठीक है ना, तो दीज आर नॉट द APCs, ये नॉर्मल न्यूक्लियेटेड सेल्स थे। तो ये MHC किसके, MHC जो न्यूक्लियेटेड सेल में MHC 1 प्रेजेंट होगा ना, MHC फर्स्ट,
तो एमएससी फर्स्ट से ये एंटीजन जो इसमें क्या हुआ था एंटर की है, जिसे वायरस एंट्रा सेलुलर, इसमें कोई वायरस है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये एमएससी मॉलिक्यूल, ये सेल क्या करेगी अपनी एमएससी मॉलिक्यूल से इस एंटीजन को, ठीक है, एंटीजन को या इस वायरल एंटीजन को अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करेगी। तो जब एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट से जब ये प्रेजेंट होता है, तो इस टाइम पे इसमें किस सेल का रोल होगा, दैट इज टी हेल्पर का होगा, कि टी साइटोटॉक्सिक टी सेल का। एमएससी वन को रिकॉग्नाइज कौन करेगी, टी सी सेल, जिसपे क्या होगा सीडी एट मार्कर, सीडी एट। और आपको ये चीज याद रखना है, जब सीडी एट होगा तो ये एमएससी वन को ही रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसके रिसेप्टर हैं अल्फा और बीटा, जब इसने इसको रिकॉग्नाइज किया तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर इस एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये टी सेल इसको क्या कर देगी, रिकॉग्नाइज करने के बाद, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद, ये जो टी सेल जाके जो इन्फेक्टेड जो सेल है उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है ना। ये कैसे करेगी इसको मैं आपको नेक्स्ट पे दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। हमारे बॉडी में अगर हम सेल के अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में एक सेल हो सकता है, दैट इज नॉर्मल सेल। पहले आप ये चीज़ देखो, ये क्या हो सकती है, नॉर्मल सेल, दिस इज व्हाट द नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल पे क्या होगा, नॉर्मल सेल पे जो यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल हैं वो जो रिप्रेजेंट करेगी, तो अपने किस एंटीजन को, जो सेल्फ एंटीजन है, ठीक है ना, इसमें कोई एंटीजन आया नहीं है, तो सेल्फ जो अपने सेल के मॉलिक्यूल है जो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ मींस अपना, उसी एंटीजन को, किस पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेंगे, पेप्टाइड की अगर हम बात करें तो एमएससी मॉलिक्यूल नॉर्मल सेल में सेल्फ पेप्टाइड को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा केस आता है, दैट इज ये जो सेल है, तो क्या है, ये नॉर्मल है बट इन्फेक्टेड, नॉर्मल है बट इन्फेक्टेड। अगर कोई सेल नॉर्मल है लेकिन वो इन्फेक्टेड है किसी वायरस से या किसी एंटीजन से, तो उस टाइप पे उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये एमएससी मॉलिक्यूल है, इसमें तो नॉर्मल सेल में तो इसने क्या, सेल पेप्टाइड को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे एंटीजन्स प्रेजेंट है, तो जो ये एंटीजन प्रेजेंट है, जो इसके एमएससी मॉलिक्यूल है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, सेल्फ मॉलिक्यूल को नहीं बल्कि एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। और एक केस हो सकता है कि जो हमारे सेल है वो यहाँ पर नॉर्मल था बट इन्फेक्टिव थी, या अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन केस में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो सेल जैसे कैंसरस सेल्स में होंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे या तो इसमें होगा एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा या ट्यूमरस सेल में या एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस अराइज होंगे, यहाँ पे ये सेल है लेकिन यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बट यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल एब्सेंट है। तो हम देखते हैं कि इन इन टाइप के सेल्स को, ठीक है ना, अब जब एंटीजन प्रेजेंट करेगी तो एमएससी मॉलिक्यूल ये टी हेल्पर सेल, ठीक है ना, इनको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, जैसे अपने हमें अपने अभी हमने देखा जो टी एच के केस में। अब हम यहाँ देखते हैं टी सी के केस में, मीन्स साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है ना, टी सेल ये कैसे, इसका क्या रोल रहेगा, ठीक है ना, ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहाँ से हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक। यही केस हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपके हमारा क्या है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक। तो नॉर्मल सेल यहाँ पे एक और सेल है, दैट इज दिस इज द इन्फेक्टेड सेल, ये मान के चलो ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो इसी तरह से होगा यहाँ पे नॉर्मल सेल, जब कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस टाइम हमारी जो सेल है जो उसको, वो कैसे इस सेल से हमें बचाएगी जो इन्फेक्टेड सेल है, क्योंकि इस जब कोई सेल इन्फेक्ट होगा तो उसके नियर बाय सेल्स का इन्फेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, तो इसीलिए इस सेल को डिस्ट्रॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारी जो टी सी सेल्स है ना, वो इस तरह की सेल्स को क्या करेगी,
डिस्ट्रॉय करेगी। और पहले हम देखते हैं जब ये नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना, जब नॉर्मल सेल प्रेजेंट होंगे तो इसमें जो पेप्टाइड ये प्रेजेंट करेगी ये क्या होगा, सेल पेप्टाइड है, ठीक है ना। तो जब टी सी सेल आएगा यहाँ से, जब टी सी सेल का रोल को हम देख रहे हैं अभी, जो टी सी सेल विद सी डी एट मार्कर, ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। सी डी एट जो है वो एम एस सी, ये क्या है, एम एस सी फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब ये न्यूक्लिएटेड सेल है ना कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो एम एस सी वन के थ्रू ये प्रेजेंट कर रही है। जब ये एम एस सी मॉलिक्यूल यहाँ पे आया तो सी डी एट ने एम एस सी फर्स्ट को क्या की, इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, एम एस सी वन को, एम एस सी वन के साथ बाउंड हो गया। और जो टी सी सेल है इसने जब अल्फा बीटा रिसेप्टर के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया तो देखा कि ये तो क्या है, अपना सेल्फ पेप्टाइट है, यानी नॉर्मल सेल का जो पेप्टाइट है, ठीक है ना, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का प्रोसेसेड पेप्टाइट मॉलिक्यूल है, तो ये अपना सेल्फ है, ठीक है ना, जो अपना ही, अपने ही बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो टी सी सेल यहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है ना, मीन्स एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। लेकिन जब ये आगे, जैसे जैसे आगे चलता है, जब ये इन्फेक्टेड सेल के पास पहुँच जाता है, ठीक है ना, जब ये इन्फेक्टेड सेल के पास पहुँच गया, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एंटीजन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो और ये एंटीजन को प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज व्हाट, ठीक है ना, एंटीजन को इसने प्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे वायरस ने इन्फेक्ट की थी, कोई वायरस ने, दीज आर द एंटीजन्स। तो ये एंटीजन को यहाँ पे एम एच सी मॉलिक्यूल ने, इस एंटीजेनिक जो एम एच सी मॉलिक्यूल फर्स्ट ने, ठीक है ना, इस एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट किए। जब ये साइटोटॉक्सिक सेल यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना, दिस इज द टी सी सेल विद सी डी एट मॉलिक्यूल, तो सी डी एट मॉलिक्यूल एम एस सी फर्स्ट को, फर्स्ट के साथ बाइंड होगा, और टी एच में क्या था, सी डी फोर मार्कर था ना, वो किसके साथ, एम एस सी सेकेंड के साथ, जो मोस्टली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, इस सेल के साथ में रोल रहता है, ठीक है ना। तो टी सी सेल जब यहाँ इन्फेक्टेड सेल के पास पहुँच जाता है तो ये सी डी एट सेल एम एस सी फर्स्ट को रिकॉग्नाइज किया, ठीक, एम एस सी फर्स्ट को जब रिकॉग्नाइज करता है तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर है टी सी सेल के, तो वो इस पेप्टाइड को, जो एंटीजेनिक पेप्टाइड था, इसको क्या करेंगे, जब इसको, इस केस में तो हमें क्या मिला था, सेल्फ पेप्टाइड मिला था, लेकिन जहाँ इस केस में हमें क्या मिला है, एंटीजन का पेप्टाइड है, तो एंटीजेनिक पेप्टाइड जब मिला तो ये टी सेल रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक है ना। जब इसको एंटीजेनिक पेप्टाइड मिला तो साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा, ये साइटोटॉक्सिक सेल ये कन्वर्ट होगा किसमें, सी टी सी सेल कन्वर्ट होगा सी टी एल में, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, जब इसको एंटीजेनिक पेप्टाइड मिलता है इन्फेक्टेड सेल के केस में, तो ये यहाँ से क्या रिलीज करता है, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट में, जब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ से ग्रेन एंजाइम, ठीक, यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगी, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल रिलीज की, ठीक है ना, दैट इज, ये क्या है, जी इज ग्रेन एंजाइम मॉलिक्यूल एंड पी इज परफॉर्म, तो ये क्या है, जी इज व्हाट, दिस इज द ग्रेन एंजाइम एंड ये क्या है, परफॉरिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये परफॉरिन क्या करेगी, परफॉरिन का रोल है कि ये यहां से जाएगी और इस सेल में जाके क्या करेगी, इसमें पोर्स क्रिएट करेंगे, पोर्स, परफॉरिन से आप नाम से ही पता लग सकता है कि ये इसमें क्या करिए, इस इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट किया, ठीक है ना। और ये जो जी है, दैट इज ग्रेन एंजाइम, ठीक है ना, ग्रेन एंजाइम, ठीक है ना, ये ग्रेन एंजाइम क्या करेगी, ये इसने यहाँ पे पोर्स क्रिएट, तो ये ग्रेन एंजाइम इन पोर्स से एंटर करेगी इस सेल में और इसकी क्या करेगी, एपोप्टोसिस कराएगी, क्या कराएगी, ग्रेन एंजाइम के, जो ग्रेन एंजाइम जो है, जो परफोरिन है, आप यहाँ पे याद रखें, जो परफोरिन है वो क्या, उसने क्या करा, उसने पोर्स क्रिएट किए किसमें, इन्फेक्टेड सेल में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्या था हमारे, ग्रेन एंजाइम, ठीक है ना, ग्रेन
एंजाइम वो क्या करेगी, दैट इज वो एपोप्टोसिस कराएगा इस इन्फेक्टेड सेल का, ठीक है ना। तो जब एपोप्टोसिस कराएंगे तो ये इन्फेक्टेड सेल इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये रूल रहता है किसका, साइटोटॉक्सिक टी सेल का, ठीक है ना। तो ये टी सेल्स का क्या काम रहा, टी सेल्स जो है वो टी सी सेल का क्या मेन फंक्शन रहता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। दीज सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस, जो इंट्रा सेलुलर, ठीक है ना, पैथोजेंस है, उनसे हमें इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस जैसे कि वायरस है, ठीक है ना, या सम बैक्टीरिया, मेनली वायरस जो है वो इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है ना, या और सम बैक्टीरिया दैट मे बी इंट्रा सेलुलर, उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है टी सेल, किससे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द बाय किलिंग द इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको क्या करके, किल करके, ठीक है ना। और हमने टी एच सेल के केस में क्या देखा, टी एच सेल जो है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस अगेंस्ट, डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर पैथोजन से भी ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। बी सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, बी सेल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, ठीक। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जैसे मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, उनको भी क्या करती है, एक्टिवेट करती है, ठीक है ना, एक्टिवेट कर देती है टू डिस्ट्रॉय द इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो दीज आर द सेल्स, दीज आर द टी सी सेल एंड द टी एस सेल, ठीक है ना। नाउ अब जो टी एच सेल है वो जो इफेक्टर सेल होते हैं ना टी एच सेल के, ठीक है, टी एच सेल जो है वो कुछ साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करती है। तो वो कौन कौन से साइटोकाइंस वो प्रोड्यूस करती है वो चीज़ हम देखेंगे टी एच सेल में। टी एच मीन्स टी हेल्पर सेल, ठीक है ना। तो अब साइटोकाइंस कौन कौन से रिलीज करती है, जो केमिकल्स जो रेगुलेट करती है जो इम्यून रिस्पॉन्स को, जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हमारे कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है ना, जब उसने एंटीजन को थ्रू एमएससी सेकंड जब एंटीजेनिक पेप्टाइड को प्रेजेंट किया तो टीएच सेल, अब ये टीएच सेल भी क्या होता है, प्रोलिफरेट हो जाता है साइटोकाइन्स रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे टीएच सेल है तो ये क्या है, यहाँ पे CD4 होगा और इसी सीडी मार्कर के बेसिस पे ये टी एच सेल और टी सी सेल हमें डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है ना। तो ये CD4 है वो MHC2 को रिकॉग्नाइज करेगी और जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर है इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। फिर उसके बाद जब एक बार रिकॉग्नाइज की तो अब जो ये टी एच सेल है जैसे बी सेल की तरह ये एक तो प्रोलीफरेट करेगा फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो प्रोलिफरेट होके ये क्या बनाएगा, प्रोलिफरेट होगा बाय माइटोटिक डिवीजन और डिफरेंशिएट होगा किसमें, इनटू इफेक्टर टी सेल, हमने नाम दिया था इफेक्टर, उसमें बी सेल, यहाँ पे इफेक्टर टी सेल और मेमोरी सेल, ठीक है ना, मेमोरी वहाँ पे बी सेल बना था, यहाँ पे मेमोरी टी सेल। तो इफेक्टर सेल ये जिसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर सेल को हमने क्या कहा था, प्लाज्मा बी सेल। बी सेल की केस में यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लाज्मा टी सेल, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, मेमोरी सेल, ठीक, दिस इज द मेमोरी सेल एंड दिस इज द इफेक्टर टी सेल, ठीक है ना। तो ये इफेक्टर टी सेल जो है ये क्या करेगी, दिस विल रिलीज द साइटोकाइंस। अब बी सेल जो प्लाज्मा बी सेल वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती थी, लेकिन ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है बल्कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं,
इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस, ठीक है ना। ये साइटोकाइंस रिलीज करेगी, तो ये साइटोकाइंस को क्या करेगी, इट विल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इम्यून, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ, और ये साइटोकाइंस क्या करेगी, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ इम्यून कंपोनेंट सेल्स, ठीक है ना। जो इम्यून कंपोनेंट सेल्स है उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जो साइटोकाइंस है दिस आवर द इम्यून रेगुलेटर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट भी होता है टीएच सेल। तो अब ये जो टीएच सेल है वो कौन से इंटरल्यूकिंस रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इफेक्टर टी सेल की अगर हम बात करें, इफेक्टर टी सेल, ठीक है, तो ये इफेक्टर टी सेल्स कौन कौन से, जो ये इफेक्टर टी सेल है, दिस इज द इफेक्टर टी सेल, ठीक है ना, ये क्या रिलीज करेगी, तो साइटोकाइंस, साइटोकाइंस रिलीज किए, ठीक है ना, दिस आर द साइटोकाइंस। तो जो जो दिस आर व्हाट मेनली, जो टी एच, इसमें दो टाइप्स के टी एच सेल है, ठीक है ना, एक होता है टी एच वन और टी एच टू, जो हेल्पर सेल है उसके भी दो सब टाइप्स हैं। जो टी एच वन जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है ना, प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और जो टी एच टू के जो साइटोकाइंस है वो क्या रिलीज करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब ये चीज़ याद रखना है कि जो टी एच वन है ये कौन कौन से इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो टी एच वन जो है वो इंटरल्यूकिन टू, इंटरल्यूकिन थ्री, इंटरफेरोन गामा, ठीक है ना, टी एन एफ, ट्यूमर नेक्रोसिस, और जी एम सी एस एफ, ठीक है ना, दैट इज ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दैट इज जी एम सी एस एफ, ठीक है ना। नाउ अब जो टी एच टू है, ठीक है ना, जो टी एच टू है वो जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से करते हैं, दैट इज इंटरल्यूकिन फोर है, इंटरल्यूकिन सिक्स, ठीक है ना, इंटरल्यूकिन टेन और इंटरल्यूकिन ट्वेल्व, दीज आर व्हाट द साइटोकाइंस जो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और टी एच वन की प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नाउ द नेक्स्ट इज अवर एनके सेल, दैट इज नेचुरल किलर सेल, या जिसे हम नल सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ नेचुरल किलर सेल की अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल किलर सेल, ठीक है ना। अब नेचुरल किलर सेल में अगर हम इन स्ट्रक्चर को देखें, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नाम से ही जैसे नेचुरल किलर, तो इस पे जो रिसेप्टर है उसे हम क्या बोलते हैं, किलर एक्टिवेटर रिसेप्टर बोलते हैं इस साइड को, ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड को है, किलर एक्टिवेटर रिसेप्टर, दैट इज के ए आर, और इस साइड को हम क्या कहेंगे, जो ये वाला साइड है, दैट इज के आई आर, किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, ठीक है ना, दैट इज किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर। अब यहाँ पे क्या है, इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट है, दैट इज सी डी सिक्सटीन भी कहेंगे, या आई जी जी का इस पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जब हम मार्कर की बात करते हैं, तो कौन सा मार्कर इस पे प्रेजेंट है, सी डी फिफ्टी सिक्स इस पे प्रेजेंट है। ये किस में हेल्प करता है, इट इज़ द एडहेशन मॉलिक्यूल, और ये किस में हेल्प करेगा, सेल एडिशन में हेल्प करेगा, और इसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। एनके सेल्स में क्या है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, इस तरीके से होता है, और दीज आर द ग्रेन्यूल्स जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, दीज आर द ग्रेन्यूल्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एनके सेल, ठीक है ना। अब एनके सेल के हम थोड़ा सा फीचर्स देखते हैं, तो एनके सेल की एक्टिवेशन की बात करें, तो ये है यहाँ पे क्या है, जैसे एक नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो कब ये रेस्पॉन्ड करती है, अगर एक नॉर्मल सेल होगा, ठीक है ना, जिसमें एम एस सी फर्स्ट से इसने सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट किया है, तो जब यहाँ पे हमारे एनके सेल आ जाते हैं, अब एनके सेल किस तरह से
रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है ना। एनके सेल में क्या है, किलर एक्टिवेटर रिसेप्टर भी है और किलर इनहिबिटर रिसेप्टर। मींस एक्टिवेटर रिसेप्टर जो है तब एक्टिवेट होगा जब रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जब नॉर्मल सेल प्रेजेंट होगी उस टाइम पे इनहिबिटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, जहाँ पे सेल्फ पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट किया है इस सेल ने, ठीक है ना। तो हमारे इस टाइम पे जब जब ये एनके सेल इसके पास में आ जाएगा तो किलर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो है वो इस चीज़ को एमएससी को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। जब एक बार रिकॉग्नाइज की और पता चला कि ये नॉर्मल सेल है तो ये एनके सेल के न्यूक्लियस को रिस्पॉन्ड करेगा कि दिस इज ए नॉर्मल सेल और कोई भी रिस्पॉन्स आपने नहीं करना है, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करनी है, दिस इज इन केस ऑफ नॉर्मल सेल, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सेल हो दैट इज इन्फेक्टेड सेल, जैसे या जैसे हमने देखा ट्यूमरस सेल में जहाँ पे क्या होता है एमएससी प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो उस केस में अगर एमएससी प्रेजेंट नहीं होगा और एनके सेल इसके एनके सेल के पास में ये आ गया इंटरेक्शन में, तो उस केस में जो किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर है, ठीक है ना, तो जब एमएससी जब ये यहाँ पे पहुँच गया और देखा कि दिस नॉट ए नॉर्मल सेल और एमएससी इसमें एबसेंट है, तो उस टाइम पे जब किलर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स को जब एमएससी मॉलिक्यूल नहीं मिलता है तो उस टाइम पे एनके सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या रिलीज करती है, परफोरिन और ग्रेन एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो ये पोर्स क्रिएट करेंगे इसमें और ग्रेन एंजाइम जो है वो इसकी क्या करेगी, एपोप्टोसिस कराएगी। तो इसी तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में मैं और दिखाता हूँ कि एनके सेल्स का किस कहाँ पे रोल होता है। कि हमने देखा था जब जब हमारे सेल में इन्फेक्टेड सेल होता है, जब कोई वायरस इन्फेक्टेड, तो उस टाइम पे किसने किया था, टीसी सेल ने वहाँ पे क्या किया, रेस्पॉन्ड किया, ठीक है ना। जब यहाँ पे एंटीजेंस को प्रेजेंट किया था इन्फेक्टेड सेल के, ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, ये इन्फेक्टेड सेल है। तो यहाँ पे जब एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंट की तो टीसी सेल ने इस एमएससी फर्स्ट को रिकॉग्नाइज किया CD8 मार्कर ने, ठीक है ना, और इसने एंटीजन को क्या किया, रिकॉग्नाइज किए। तो इस तरह टीसी सेल ने, टीसी के केस में मैंने बताया कि इस इन्फेक्टेड सेल को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन एनके सेल्स का मेन रोल कब होता है, जब ट्यूमरस सेल्स हो, जैसे दिस इज ए ट्यूमरस सेल, ठीक है ना, यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हुआ है, दिस इज व्हाट ए ट्यूमरस सेल, ट्यूमरस सेल, ठीक है ना। अब ट्यूमरस सेल्स में क्या होता है, ट्यूमरस सेल जब ट्यूमरस सेल के केस में ये होता है कि ये एमएससी मॉलिक्यूल जो नॉर्मल सेल प्रेजेंट करते हैं, ट्यूमरस सेल जो है वो इनको प्रेजेंट नहीं करती है। तो जब एनके सेल्स जब यहाँ से मूवमेंट करते करते ट्यूमरस सेल के पास में आ जाता है, तो यहाँ पे तो इसको एमएससी मॉलिक्यूल आ गया तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करा, ठीक है ना। लेकिन जब एनके मॉलिक्यूल ट्यूमरस सेल के इंटरेक्शन में आ जाता है और उसको एमएससी मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, तो उस केस में एनके सेल वो एक्टिवेट हो जाता है। वो उसने क्या किया, परफोरिन रिलीज किया, जिसने इसमें पोर्स क्रिएट किए और ग्रेन एंजाइम रिलीज किए, जो इसमें क्या करेंगे, इस सेल का एपोप्टोसिस कराएंगे, ठीक है ना। इट विल कॉज द एपोप्टोसिस और जो परफोरिन जो है वो क्या करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे। सो इस तरीके से होता है एनके सेल्स का फंक्शन, या हम एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं, और उसके बाद उसकी फंक्शन, इस तरह से उसका रोल रहे। तो अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो एनके सेल क्या करता है, एनके सेल जो है वो रिकॉग्नाइज किसे करती है, रिकॉग्नाइज एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करती है, एंड परफॉर्म और क्या करती है, परफोरिन, जैसे परफोरिन को रिलीज किया, ठीक है ना, परफोरिन मीडिएटेड इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस, फिर उसके बाद क्या कराता है, एपोप्टोसिस कराता है, ठीक है ना, एपोप्टोसिस टेक्स प्लेस, ठीक। मीन्स एनके सेल एमएससी मॉलिक्यूल वन को
रिकॉग्नाइज करती है नॉर्मल सेल के केस में, लेकिन अगर ट्यूमरस सेल के केस में MSC1 मॉलिक्यूल जब एबसेंट होगा तो उस टाइम पे ये क्या करती है, परफोरिन रिलीज करके, ऑर्गेनिन एंजाइम रिलीज करके एपोप्टोसिस कराता है उस ट्यूमरस सेल का, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, डो नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन, एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें देयर इज नीदर द स्पेसिफिसिटी, मींस कोई स्पेसिफिसिटी इनमें नहीं होगा और मेमोरी नहीं होगा, ठीक है ना, मेमोरी नहीं बनेगा, मींस दे डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी एंटीजन, ठीक है ना। MSC के बेसिस पे ये क्या करती हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, और सिक्रीट साइटोकाइंस भी सिक्रेट करती है, ठीक, जिससे हमारे जो इफेक्टर सेल्स, टी इफेक्टर सेल्स ये करती हैं, रिलीज करती हैं। दे प्रोवाइड रिस्पॉन्स अगेंस्ट विजुअली इन्फेक्टेड सेल्स, और रेस्पॉन्ड किसके खिलाफ करती है, ये किसके खिलाफ रेस्पॉन्ड करती है, रेस्पॉन्ड करती है अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल्स, विजुअली इन्फेक्टेड सेल्स या ट्यूमरस सेल्स, ठीक है ना, जो इन्फेक्टेड सेल्स जिसे हम देख सकते हैं या ट्यूमरस सेल्स, उनको ये क्या करती है, उनके खिलाफ ये रिस्पॉन्ड करती है। सो दीज आर द फीचर ऑफ NK सेल। तो ये हुआ हमारे लिम्फोसाइट्स में, ठीक है ना, जिसमें हमने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK सेल्स के बारे में देखा। अब इनके बगैर हमारे क्या है, और भी इम्यून सेल्स है, ठीक है ना, इम्यून कंपोनेंट सेल्स है, जिसमें हमारे क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे मोनोसाइट्स, दीज आर वर द इम्यून कंपोनेंट सेल्स, जिनका क्या डिफेंस मैकेनिज्म में इनका क्या रहता है, रोल रहता है, ठीक है ना। मोनोसाइट्स अगर आप देखें तो दीज आर वर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स, ये क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स है, ठीक है ना, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, बोन मेरो में, ठीक है ना, और ये वहाँ से फिर उसके बाद बोन मेरो में प्रोड्यूस होने के बाद ये बोन मेरो से कहाँ पे आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक, फिर उस टाइम पे इनको क्या कहेंगे, मोनोसाइट्स कहेंगे। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन से ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे चला जाता है, टिश्यूज़ में जब चले जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, इन मोनोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, मैक्रोफेजेस। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द मोनोसाइट्स, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये क्या है, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है मोनोसाइट्स, ठीक है ना। और एक चीज़ और है ये कि मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, दे प्रोवाइड रेस्पॉन्ड, अब ये इम्यून रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना, दे प्रोवाइड रेस्पॉन्स अगेंस्ट, किनके खिलाफ ये इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा जो सेलुलर एंटीजन जो होता है ना, उनके खिलाफ क्या करता है, इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। और तो ये मैक्रोफेजिस, जब ये मोनोसाइट्स कहाँ पे, टिश्यूज़ में जब गए तो मैक्रोफेजिस, तो ये मैक्रोफेजिस इनको कौन से इंटरल्यूकिन या कौन से साइटोकिन्स इनको एक्टिवेट करता है, मेनली दैट इज़ इंटरफेरॉन गामा, ठीक है ना, इंटरफेरॉन गामा, जिसको IFN भी बोलते हैं, ठीक है ना, IFN गामा। तो ये मैक्रोफेजिस को कौन एक्टिवेट करता है, इंटरफेरॉन गामा इनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेजिस दीज आर आल्सो नोन एज स्केवेंजर सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैक्रोफेजिस है, ठीक है ना, या मैक्रोफेजिस हैं। अब ये अलग अलग टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे, तो इनकी पोजिशन के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है ना। जैसे लीवर में जो मैक्रोफेजिस प्रेजेंट है, हम उनको क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर बोन्स में जो प्रेजेंट है मैक्रोफेजिस, हम उन्हें ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
जो नर्वस टिश्यू में या ब्रेन में अगर जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रोग्लियल सेल्स। किडनीज के केस में अगर किडनी में जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट है हम उन्हें क्या बोलते हैं, मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे तो लंग्स में जो प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, अल्वियोला माइक्रोफेजेस को कहेंगे, ठीक है ना। और जैसे कहाँ पे हमारे प्रेजेंट है, स्प्लीन में जो प्रेजेंट है, स्प्लीन में मेनली वाइट पल्प में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम स्प्लिनिक माइक्रोफेजेस कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया माइक्रोफेजेस जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में प्रेजेंट है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखो आप मोनोसाइट की, ठीक है ना, मोनोसाइट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मार्कर इस पे प्रेजेंट है मेनली कौन कौन से मार्कर प्रेजेंट है, दैट इज CD14, CD32 और CD64, ठीक है ना, CD64। सो दीज आर द मार्कर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन मोनोसाइट, ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद है, नाउ देयर इज अनदर इम्यून कंपोनेंट सेल जिसे हम क्या कहेंगे, मास सेल, ठीक है ना। अब मास सेल की बात करें, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे, बोन मेरो में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। तो मोस्टली हर कोई जो सेल्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बोन मेरो में ही प्रोड्यूस होता है। और ये मैच्योर हो जाता है कि हाँ टिश्यूज में, एंड मैच्योर्ड इन टिश्यूज, ठीक है ना। इसको हम मैस्टोसाइट भी कहेंगे या लेब्रोसाइट भी कहेंगे। अब इसकी फंक्शन जो है वो बेसोफिल की तरह ही है, ठीक है, इसकी जो फंक्शन है दैट इज सिमिलर टू बेसोफिल। बेसोफिल की केस में हमने क्या देखा था, सिमिलर टू बेसोफिल। बेसोफिल जो है वो मेनली क्या करता है, उसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मास सेल, ठीक, इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे बेसोफिल की तरह। और मार्कर्स की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कौन से मार्कर, CD23, CD25 एंड CD117, दीज आर द मार्कर्स ऑफ मास सेल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, IgE रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, तो इस ग्रेन्यूल्स सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्या है, रिसेप्टर है, हैविंग रिसेप्टर ऑफ IgE का इसमें क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब जो ग्रेन्यूल्स बेसोफिल की तरह है, सिमिलर है फंक्शन में, मींस जो ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट है इट दैट कंसिस्ट्स ऑफ, उसमें क्या है मेनली हिपेरिन और हिस्टामाइन प्रेजेंट है, ठीक है ना, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। जो हिस्टामाइन जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और हिपेरिन जो है वो क्या है, दैट इज एन एंटी कोगुलेंट, ठीक है ना, कोगुलेशन होने से प्रिवेंट करेंगे। सो मेनली इसका बेसोफिल में हमने देखा था कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या करता है, ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स जो प्रोस ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारे क्या, डेंड्रोटिक सेल्स। डेंड्रोटिक सेल्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट इम्यून कंपोनेंट सेल्स, ठीक है ना। दीज आर मेनली, इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों, दिस इज बोथ लिम्फॉइड एंड माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से, ये प्रोजेनिटर सेल से ये क्या हो जाता है, ओरिजिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये लिम्फॉइड और माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स इसमें कौन कौन से आते हैं, ये आपको मैं हेमेटोपोइसिस में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। तो जो ये डेंड्रोटिक सेल्स हैं दैट इज फेगोसाइटिक इन नेचर हैं, ठीक है ना, फेगोसाइटिक इन नेचर, ठीक। और ये क्या है, लाइक मैक्रोफेजिस की तरह ये ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाउ डेंड्रोटिक सेल्स इनका क्या, तो ये क्या करते हैं मेनली, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो एंटीजन को ये प्रेजेंट करेंगे टू द
टी सेल्स मीन्स टी हेल्पर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को ये क्या करेंगे, एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सो इसकी मार्कर की बात करें, जब इसके डेंड्रोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो, ठीक है ना, डेंड्रोटिक सेल के, तो इसमें जो मार्कर है दैट इज ओनली वन मार्कर इज प्रेजेंट, दैट इज CD141। अब ये डेंड्रोटिक सेल्स जो है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब इनके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो डेंड्रोटिक सेल्स इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए, ठीक। जैसे डेंड्रोटिक सेल अगर स्किन में प्रेजेंट हो तो उस डेंड्रोटिक सेल को हम क्या कहते हैं, लैंगरहंस सेल, लैंगरहंस सेल्स, ठीक है ना। और उसके बाद अगर किडनी में प्रेजेंट हो या हार्ट में, किडनी में प्रेजेंट हो या हार्ट में प्रेजेंट हो और लंग्स में प्रेजेंट हो, तो उस टाइम हम इनको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स में, तो उस टाइम हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज इंटरडिजिटेटिंग सेल्स, ठीक है ना। एंड अगर ब्लड ब्लड में प्रेजेंट हो, ब्लड लिम्फ में जब प्रेजेंट हो, तो उस टाइम हम इसको क्या कहते हैं, वेल सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द वर्ड डेंड्रोटिक सेल्स। अब इसके बगैर हमने देखा था कुछ फॉलिकुलर, अब ये सीएम स्ट्रक्चर में हमने देखा CD141 मार्कर इससे प्रेजेंट है, और MHC मेनली किससे, ये FEC है तो मेनली MHC सेकंड से ये एंटीजन को क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। सो दीज आर द सेल्स ऑफ इम्यून कंपोनेंट सेल्स, ठीक है ना, दीज आर द इम्यून कंपोनेंट सेल्स, जो किसमें, दीज अभी तक जो मैंने बताया, ठीक है ना, दीज आर द इम्यून कंपोनेंट सेल्स, ठीक, जिनका क्या रहता है, कंपोनेंट सेल्स जिनका डिफेंसिव मैकेनिज्म में रोल रहता है, मीन्स दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी करता है, ठीक है ना, फ्रॉम वेरियस एंटीजेंस, वेरियस माइक्रोब्स, ठीक है ना, जैसे लाइक पैरासाइट्स या माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो, जैसे वायरसेस हैं, ठीक, बैक्टीरिया है, ठीक, या कुछ पैरासाइट्स है जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो इनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। या तो ये सेल्स कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और जो प्रोटेक्शन जो है वो कैसे देती है, या वो प्रोटेक्शन जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जैसे बी सेल के केस में हमने देखा, या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, मीन्स जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स है उनके, जहाँ पे सेल का रोल होता है, ठीक है ना, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जहाँ पे होता है उसको हम सेल मीडिएटेड कहते हैं, जहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना, और जहाँ पे सेल का रोल होता है उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। सो दीज आर द सेल्स। अब इसमें हमें ये हो गया आपके सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें मैंने एक्टिवेशन की बात की, तो नेक्स्ट हमारा रहता है अडैप्टिव। अब जो इम्यूनिटी जो है, ठीक है ना, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है इनेट और दूसरा है एक्वायर्ड, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और हीमेटोपोइसिस, ठीक है ना, ये दो सब यूनिट रहता है जिसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर उसके बाद हम जो एंटीबॉडी से आपका नेक्स्ट यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इस चीज़ को थोड़ा देख लें, और कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी हो आप मुझे मैसेज कर लिया, पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।